जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है जी डॉक्टर मोहम्मद मुजम्मिल हसन। आज एक छोटा सा बेसिक सा सेशन करेंगे जी हम प्लेसेंटा पे, जिसको हम कहते हैं जी जेर का जानवर का रोग जाना। पहले मैंने एक सेशन इस पर किया था अपने डॉक्टर्स भाइयों के लिए, आज मैं बेसिक सी इंफॉर्मेशन अपने फार्मर हजरात के लिए लेकर आया हूँ। सबसे पहले तो ये बता दूँ कि कुछ लोग हमसे सवाल पूछते हैं वो क्या, उन कौन से सवाल हैं और उनका बेसिक सा जो उनके आंसर्स हैं वो क्या हैं। पहले नंबर पे तो बहुत सारे टोने टोटके किए जाते हैं जानवर पे कि वो जेर फेंक दें, तो मैं एक बात बता दूँ, जेर रोकने की बुनियादी दो वजूहात होती हैं। एक जो है उसको हम प्राइमरी रीजन कहते हैं और जो दूसरी वजह है वो सेकेंडरी रीजन है। तो मैं ज़रा इस पर डिटेल में नहीं जाऊँगा, मैं सिर्फ ये बता दूंगा कि अगर प्राइमरी रीजन की वजह से प्लेसेंटा रुक गई है, जेर रुक गई है, तो इसमें हमें जो भी आप थेरापी कर लें उसके खातर खा रिजल्ट आपको नहीं मिलते। प्रोटोकॉल में आपको ये मैं ऐड करता चलूं कि आप जब भी कभी एनिमल की पार्चुरेशन हो, बच्चा दे, तो बच्चा देने के फौरी बाद जानवर को ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन जो है ये 8 से 10 cc उसको गोश्त में लगा दें। 8 से 10 cc से मुराद 80 से 100 इंटरनेशनल यूनिट। आप स्टार लेबोरेटरीज का जो ऑक्सीटोसिन है वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं या ह्यूमन साइड की प्रेपरेशन आप इस्तेमाल कर सकते हैं, नंबर वन। नंबर टू, जैसे ही वो जानवर बच्चा दे दे उसके बाद मिल्फोन सी जो कैल्शियम का इंजेक्शन है वो आप 300 से 350 ml जानवर की खाल के नीचे लगा दें। ये दूसरा काम हो गया। फिर हर 8-8 घंटे के फर्क से जानवर को ऑक्सीटोसिन का जो टीका है वो 8 से 10 ml लगाते जाएं। इंशाल्लाहुल अजीज 24 घंटे के अंदर अगर ये प्राइमरी वजह नहीं है तो जानवर जो है अपनी प्लेसेंटा को फेंक देगा। इसमें एक और बात काबिले गौर में बताते चलूँ आप तमाम भाइयों को कि कई हमारे दोस्त बच्चे को क्लोस्ट्रम या वोला जिसे हम कहते हैं वो जानवर के नीचे से नहीं पिलाते, कि जब तक ये जेर नहीं फेंक देती तब तक हम इसको बच्चे को वोला नहीं पिलाएंगे। तो ये भी मैं आपको बताता चलूँ कि ये एक गलत प्रैक्टिस है। जैसे ही जानवर के बच्चे को वोला पिलाने के लिए आप माँ के नीचे लगाते हैं या उसका वोला निकालते हैं बकेट से पिलाते हैं तो कुदरती तौर पे जिस्म में ऑक्सीटोसिन का इखराज होता है और ये जेर फेंकने के अमल को तेज करता है। लेकिन यहाँ पे बस एक काबिल गौर बात बताता चलूँगा कि आप मुकम्मल प्लेसेंट मुकम्मल वोला ना निकालें। आप बच्चा की जो रिक्वायरमेंट है 2 किलो पिलाना चाहते हैं, 3 किलो, या उसकी हाफ मिल्किंग कर लें या 40% मिल्किंग कर लें, बाकी का जो दूध है उसके नीचे छोड़ दें। हमारे पास चूंकि वलैती गायें होती हैं, हम हर 8-8 घंटे पे इनकी मिल्किंग करते हैं, तो मैं अमूमी तौर पर पहली मिल्किंग भी इनकम्प्लीट करता हूँ, दूसरी भी नामुकम्मल मिल्किंग होती है, तीसरी मिल्किंग जो है हम कम्प्लीट कर देते हैं। अच्छा, अगला सवाल जो फार्मर्स पूछते हैं कि अगर जेर रुक जाए तो उसका करना क्या चाहिए। पहली बात मैं बताता चलूँ कि अगर जेर रुक जाए तो गर्मियों के मौसम में मैं आपको बिल्कुल रिकमेंड करूँगा कि आप एनिमल के अंदर से जेर किसी डॉक्टर को, मुस्तनद वेटनरी डॉक्टर को बुलाकर निकलवा लें। सर्दी के मौसम में आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप उसको निकलवा दें या आप उसको जानवर के अंदर ही रहने दें। तो यहाँ पर एक और चीज़ मैं ऐड करता चलूँ कि जब आप जेर को जानवर के अंदर रोक देंगे तो आपको थोड़ी इसकी ट्रीटमेंट पे जाना पड़ेगा, आपको इसको ड्रिपिंग करनी पड़ेगी, फ्लूइड्स देने पड़ेंगे, एंटीबायोटिक्स देनी पड़ेंगी, इसको टोनअप करना पड़ेगा। अगर ये काम आप कर सकते हैं वो तो वेल एंड गुड, अगर आप ये काम नहीं कर सकते तो किसी मुस्तनद वेटनरी डॉक्टर को बुला के आप इसकी प्लेसेंटा जो है वो निकलवा लें। अब तीसरा सवाल जो हमारे फार्मर्स भाई हमसे पूछते हैं कि अगर प्लेसेंटा रुक जाए तो उसको कितनी देर के बाद हमें निकलवाना चाहिए, तो इसमें दो तरह की वैरायटी है हमारे पास। अगर तो हमारे पास लोकल ब्रीड है, साहीवाल के जानवर हैं फॉर एग्जांपल, तो इनमें अमूमी तौर पे 24 आवर्स, बच्चा देने के 24 घंटे के बाद आप जेर निकलवा दें। अगर आपके पास प्योर ब्रेड है, क्रॉस के अच्छे जानवर हैं या भैंसे हैं, तो इनमें आप 24 से 36 घंटे के बाद प्लेसेंटा को निकलवा सकते हैं। एक बात मैं बताता चलूं कि जेर जितनी आराम से निकलती है, और
जितनी जेर आराम से निकलती है मैं निकालूंगा, ज्यादा यहाँ पर खिंचा तुई मतलब जिसको कहते हैं ना ज्यादा खींचना या अंदर उससे अंदर ब्लीडिंग के चांस बढ़ जाते हैं तो वो काम हम नहीं करेंगे। एक और मैं बात यहाँ पे बताता चलूं कि जो बच्चे दानी का साइज है काफी बड़ा होता है, हम कभी भी ये शुरू है तो मैं ये बात कहना चाह रहा था कि प्लेसेंटा जितनी आराम से निकलती है हम निकालेंगे, जो ज्यादा जोर आजमाई का काम है वो इस पर हम नहीं करेंगे, उससे ब्लीडिंग के चांसेस होते हैं। पर एक और मैं बात आपको बताता चलूं कि यूट्रस का साइज काफी बड़ा होता है, आप जितनी मर्जी कोशिश कर लें कुछ ना कुछ पार्ट्स प्लेसेंटा के अंदर रह ही जाते हैं, इसलिए इसकी जो प्लेसेंटा निकालने के बाद जो इसकी जो हमें केयर करनी है वो जरूर करनी पड़ेगी। अब आप ये देखें कि ये इतना सारा मटेरियल जो मैंने निकाला है, अगर इसको हम माँ के अंदर ही छोड़ देते तो ये जबरदस्त किस्म का जिसे आप लोग जहर बाद या हम अपनी जुबान में टॉक्सीमिया सेप्टिसीमिया कहते हैं वो जानवर के अंदर डेवलप हो सकता है। एक और काम जो बताता चलूं कि प्लेसेंटा जब निकल जाए तो आप इसको इसका बर्ड इसका वेट कर सकते हैं। नॉर्मली जो प्लेसेंटा का जो वेट है वो 6 से 8 किलो होता है एनिमल के वेट के हिसाब से। अब प्लेसेंटा निकालने के बाद ये मेरे पास टैबलेट्स हैं फेट्रोक्सिमिन, ये टैबलेट्स हैं इंट्रायूट्राइन, इसमें एंटीबायोटिक रिफेक्सिमिन मौजूद है, ये मैं 6 गोलियां जो है इसकी यूट्रस में रखती हूँ। अभी अगला काम जो है इसके लिए जो जरूरी है हम 2-3 चीजें मॉनिटर करेंगे, एक तो इसका इनटेक कैसा है, ये खाती पीती कैसे है, दूसरा इसको टेम्परेचर होता है या नहीं होता। सर्दियों के मौसम में वैसे अमूमी तौर पे ये प्रॉब्लम जरा कम होते हैं, गर्मी के मौसम में अमूमी तौर पे ये प्रॉब्लम हो जाते हैं। तो हमें अब इसकी आगे 5 से 7 दिन हम इसको एंटीबायोटिक्स देंगे इस जानवर को, साथ ही इसको हम एंटीबायोटिक्स बुखार के टीके जिसे कहते हैं वो देंगे, साथ ही इसको ताकत के लिए हम सप्लीमेंट्स देंगे जिसमें प्रोपाइलिन ग्लाइकोल इस तरह की दूसरी चीजें जो हैं वो शामिल हैं। 10 दिन पे इसको हम दोबारा ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन से यूट्रस में बच्चेदानी में हम वॉश देंगे, वो आप किसी भी मुस्तनद वेटनरी डॉक्टर को बुला के 10वें दिन पे या 12वें दिन पे आप वो यूट्रस में वॉश दे सकते हैं। उसके बाद जब इसके यूट्रस का बच्चेदानी का साइज बिल्कुल बराबर हो जाए तकरीबन 20-22 दिन पे, तब 5 से 6 दिन लगातार इसमें हम एंटीबायोटिक्स का कोर्स मुकम्मल करेंगे और इंशाल्लाह अज़ीज़ ये अगली दफ़ा जो है प्रेग्नेंट भी हो जाएगी। और जो अमूमी तौर पे जो रिपीटर्स होते हैं, जो जानवर बार बार रिपीट होते हैं, वो इस कैटेगरी से भी ये इंशाल्लाह बाहर आ जाएगी। उम्मीद है कि बेसिक इन्फॉर्मेशन जो मैं आपको देना चाहता हूँ आपको मिल चुकी होगी, कोई चीज़ पूछना चाहें आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, बता सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, अस्सलामुअलैकुम।